सुप्रभात दोस्तों, नमस्ते। आज हम कुछ आसन के विषय में बताएंगे आप लोगों को। तो शुरुआत योगिक जॉगिंग से करते हैं, क्योंकि कोरोना में घर से बाहर नहीं जा सकते हैं तो घर में योगिक जॉगिंग कर लेते हैं। यहीं पे योगिक जॉगिंग से वार्म अप हो जाएगी, थोड़ा योगिक जॉगिंग कर लिया 5 से 10 मिनट, उसके बाद ताड़ासन। ताड़ासन जो बच्चे हैं 20 साल 18 साल 16 साल के, उनको लंबाई बढ़ाने के लिए बहुत फायदेमंद है। ऐसे ताड़ासन कर लिए, फिर उसके बाद ये तिरेक ताड़ासन कर लिए। तिरेक ताड़ासन स्ट्रेस कम करने के लिए, मोटापा कम करने के लिए बहुत फायदेमंद है। दस बीस पचास बार ऐसे कर लिए अपनी क्षमता के अनुसार, जितनी शारीरिक क्षमता हो उतना कर सकते हैं आप। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को दबा दें, उससे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और एक निवेदन करूँगा, जब भी घर से बाहर निकलिए मास्क जरूर लगाइए। मेरा ये निवेदन हर ब्लॉग में है और हमेशा मैं करता रहूँगा आप लोगों से कि आप लोग मास्क जरूर लगा के निकलिए, क्योंकि बिना मास्क के बाहर मत जाइए, नहीं तो बहुत तकलीफ होने वाली है। और इसे देखिए, हम घर के बाहर नहीं जाते, घर में ही योगी जॉगिंग कर लेते हैं। चलिए, वार्म अप हो गया, त्रिक ताड़ासन बताया, त्रिक ताड़ासन। अब शुरुआत करते हैं, एक सबसे अहम आसन के विषय में बताते हैं आपको, सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के अंदर 12 आसन होते हैं, आपको दिखा दें। चलिए शुरू करते हैं सूर्य नमस्कार। इसके बहुत फायदे हैं, आदमी की बॉडी फिट रहती है, पूरा ऊर्जावान रहती है, ऊर्जा से भरपूर रहती है, और इसमें बहुत सारे आसन आते हैं, इसलिए बॉडी आपकी एकदम फ्लेक्सिबल रहेगी अगर आप इसको करते हैं। तो कम से कम 10 बार प्रतिदिन करिए, अधिक से अधिक अपनी क्षमता के अनुसार 20-25-50 मारिए, उतने अच्छे फायदे इसके नजर आएंगे आप लोगों को। तो शुरुआत करते हैं सूर्य नमस्कार से। 1, 2, 3, 4 दाहिना पैर आगे, गर्दन ऊपर की तरफ, सांस भरते हुए, पर्वतासन 5, नीचे की तरफ, सीना और घुटना सटा हुआ, 7, पर्वतासन 8, बाया पैर आगे की तरफ, गर्दन 9, फिर पादहस्तासन में आगे 10, पीछे की तरफ झुकते 11, 12। इस प्रक्रिया को करिए, देखिए मैं दोबारा फिर से करता हूँ, जितनी बार करेंगे बहुत ही अच्छा है, पूरी बॉडी की एक्सरसाइज में होती है। आराम आराम से कर सकते, जिनको कुछ तकलीफ हो थोड़ा आराम आराम से करें,
जैसे किसी को बीपी वगैरह है, हार्ट की प्रॉब्लम है, तो आराम आराम से कर सकते हैं इसको, और क्षमता के अनुसार कर लीजिए, जबरदस्ती कुछ भी नहीं। दूसरा, यंग लड़के हैं जिनको कोई भी तकलीफ नहीं है, वो फास्ट कर सकते हैं। जैसे सूर्य नमस्कार, ये आप कम से कम 10 के बाद आप जितना अधिक कर सकें आपकी शारीरिक क्षमता के अनुसार। तो ये मैंने आज बताया सूर्य नमस्कार आपको, एक बार जिनको प्रॉपर जो ना देख पाए फिर से मैं एक रिप्ली टाइप का फिर से कर देता हूँ आराम से। तो आप ये 12 सूर्य नमस्कार के 12 आसन जो है आप देख सकते हैं, फिर से एक बार देखिए मैं दिखा देता हूँ। एक, दो, तीन, दाहिना पैर आगे, चार, गर्दन ऊपर सांस रखते हुए, पर्वतासन, पांच, नीचे लेट गए, सीना और घुटना सटा हुआ, व्यायाम कर लिया, फिर प्राणायाम, फिर एक्सरसाइज आसन शुरू कर दिए। अभी आगे के हम आपको और दूसरे बहुत सारे आसन के विषय में बताएंगे। हम 1-2 आसन अपने हर एपिसोड में, हर वीडियो में आपको बताते रहेंगे। तो अगर ज़्यादा बताएंगे एक दिन तो पूरा देखने में मज़ा भी नहीं आएगा और आप पूरा सीख भी नहीं सकते हो। ये मेरा पर्सनल अनुभव है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, जो मैं चाहता हूँ मुझे इसके बहुत फायदे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा अनुभव है सबके पास पहुँचे। और एक निवेदन और करूँगा, गिलोई का सेवन करिए आप लोग इस समय। गिलोई सबसे ज़्यादा खाए, गिलोई अमृत है आप जान लीजिए। तो गिलोई अगर आप लोगों के पास मिलता है तो उसका काढ़ा बना के पीजिए, नहीं मिलता है तो आजकल टैबलेट आ गया है पतंजलि का, डाबर का हर जगह मिल जाता है, तो पतंजलि से ले लीजिए, डाबर के स्टोर से ले लीजिए, और प्रतिदिन एक एक गोली, दो दो गोली खाते रहिए और स्वस्थ रहिए। तो हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।